हाँ जी, मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। ओके 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 ओके, चलिए जी। तो कल हमने नंबर सिस्टम का मॉड्यूल 3 कर रहे थे हम, एक क्वेश्चन उसका रह गया था सिर्फ, फिफ्थ एमसीक्यू, और सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन। तो इसको फटाफट करके फिर आप नंबर सिस्टम फिनिश हो जाएगा, देन वी गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए जी, आपका जो लास्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम का मॉड्यूल 3 कर रहे थे, उसमें फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एमसीक्यू, पहले ये बताओ जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे कल की क्लास में, वो समझ में आ गए थे रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट? अभी जो हमारा फिफ्थ एमसीक्यू है, दैट सेज वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 2√2। जरा ध्यान से इस बात को समझना, पहले पेन कॉपी सब नीचे रख के सबका ध्यान सिर्फ बोर्ड की तरफ, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड करना क्या है इसमें। अगर आप यहां पर थोड़ा ध्यान से देखें ऑप्शंस पे, तो ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है, √2 - 1, √2 + 1, √3 - √2, √3 + √2, ये सब कुछ मिल रहा है। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है ये फिनिश हो जाना चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर। लुकिंग एट दी ऑप्शंस आई कैन मेक आउट कि ये जो ऊपर ये जो स्क्वायर रूट आ रहा है ये खत्म होना चाहिए, राइट? अब दूसरी चीज, हमें ये मालूम है कि अगर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दूं तो एक्स मिलता है। ऑल्दो आप थोड़ा सा आगे चलें तो यहां पर प्लस माइनस एक्स, चलो अभी छोड़ दो उसको, अगर मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूं तो एक्स मिलता है या नहीं मिलता, पहले ये बताओ। ठीक है जी, इफ आई डू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो हम कहते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये कैंसिल होकर के आंसर मुझे एक्स मिल जाएगा। अब दो चीजें हमने देखी कि मेरे पास जो आंसर्स है उसमें ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट गायब हो गया, दूसरी बात मुझे पता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूं तो स्क्वायर रूट गायब होता है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी अंदर पड़ी है, दिस शुड बी स्क्वायर ऑफ सम क्वांटिटी। अगर ये जो अंदर पड़ा ये किसी चीज का स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के मुझे सिंपल आंसर दे देंगे। यहां तक बात समझ में आती है मैं क्या कह रही हूं? Yes. एक बार अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैंने इसको किसी नंबर का स्क्वायर बनाना है, इन दो के बीच में ये नेगेटिव साइन पड़ा है, दो टर्म्स हैं, I want to create square and in between those two terms I am having negative. So, इस situation पर आपको दो चीजें याद आनी चाहिए, एक a plus b का whole square और दूसरा a minus b का whole square. ये जो अंदर पड़ी quantity है ये इन दोनों में से किसी एक form में जाएगी। नाउ इन बिटवीन यहां नेगेटिव साइन है तो समझ में आता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में जाना चाहिए। अगर यहां इन बिटवीन प्लस साइन होता तो ए प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में जाना चाहिए था, और नेगेटिव है इसका मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर की टर्म में जाना चाहिए। ठीक है जी, अगर मैं इसको खोलूं तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं 3 - 2√2 को इस फॉर्म में लेके जाना चाहती हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी की फॉर्म में। क्यों लेके जाना चाहती हूँ वो हमने पूरी कहानी देख ली, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये स्क्वायर रूट फिनिश करना है मुझे क्योंकि मेरी ऑप्शंस में कहीं भी ये स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा। ये स्क्वायर रूट खत्म करने का मतलब है इट शुड बी ऑफ द फॉर्म किसी क्वांटिटी का स्क्वायर है उसका अंडर रूट करें तो ये स्क्वायर रूट खत्म होगा। इसका मतलब ये जो अंदर पड़ा था इसको मैंने किसी भी चीज का स्क्वायर बनाना है।
दो टर्म्स पड़ी हैं, इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से कुछ बनना है। इन बिटवीन नेगेटिव साइन है, सो मैं एंश्योर हो रही हूं कि मुझे ये फॉर्म में जाना है। अब अगर आप इन दो चीजों को कंपेयर करें तो हमें क्या समझ में आता है, ये टर्म इसके साथ कंपेयर होगी। इसका मतलब मैं कह रही हूं कि 2√2 जो है वो 2ab से कंपेयर हो रहा है। तो क्या मैं यहां से ये मेकआउट कर सकती हूँ कि a की वैल्यू सपोज √2 हो जाए और b की वैल्यू 1 हो जाए, ये 2 और 2 तो कैंसिल ही हो गया। e इंटू बी √2 है। अगर a इंटू बी √2 है तो क्या पॉसिबिलिटी है a √2 b1 हो जाए या a1 बी रूट टू हो जाए। इन दोनों में से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है जी। अब हम क्या करें, हमने ये फॉर्म में जाना है, मैं क्या करती हूँ √2 -1 का स्क्वायर ओपन करके देख लेती हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया 3 -2√2। बस जी, बस बातें क्यों हो रही हैं। यहां पर इस टर्म के कंपैरिजन से मुझे समझ में आ रहा है कि एक वैल्यू √2 और दूसरी 1 होने वाली है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन मैंने चेक करने हैं। मैंने क्या किया, मैंने √2 -1 का स्क्वायर करके देखा। ए स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -2ab, सो 3 -2√2। ना इसका मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है इसको √2 -1 का स्क्वायर लिखा जा सकता। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो अल्टीमेटली क्या मिला, √2 -1। इट मींस ए हो गया मेरा आंसर। मैं दोबारा सारा प्रोसेस रिपीट कर रही हूं, ध्यान से सुन लेना। मुझे बताना था 3 -2√2 का स्क्वायर रूट, और आंसर्स में जब मैं देख रही हूं तो ये स्क्वायर रूट गायब हो गया। इसी बात को बेस मान करके मैंने क्या सोचा कि ये जो अंदर की क्वांटिटी है दिस शुड बी स्क्वायर ऑफ समथिंग, क्योंकि अगर ये अंदर की क्वांटिटी किसी चीज का स्क्वायर हो और स्क्वायर रूट कर दें तो स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि यहाँ इन बिटवीन नेगेटिव साइन पड़ा है, इसका मतलब इट शुड बी ऑफ द फॉर्म a - b होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab। इसको इसके साथ कंपैरिजन किया तो 2ab की वैल्यू इज 2√2। तो यहां से मेरे पास कंक्लूजन आ गया कि एक वैल्यू √2 है, एक 1 है। तो मैंने क्या किया, √2 -1 का स्क्वायर करके देख लिया। √2 -1 का स्क्वायर करें तो 3 -2√2 बन रहा है। इस क्वांटिटी को √2 -1 का स्क्वायर लिखा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, आंसर इज √2 -1। क्या कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आई है? हाँ यस जी, समझ में आया है कुछ कि नहीं? yes. चलिए फिर इसको नोट करिए और हम केस स्टडी के लास्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, वो आप खुद से करेंगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि आपको बात समझ में आ गई। कर लीजिए फटाफट से नोट इसको। ध्यान से स्टेप्स देखते जाना, कहां से क्या हमने कंक्लूजन निकाला, इसको देखते हुए ये कंक्लूजन, इसको देखते हुए ये बात, फिर ये दो चीजें, बीच में नेगेटिव है तो इस पर पहुंचे, इसको कंपेयर करा तो यहां पहुंचे, √2 -1 आ गया, तो ये हमने करके देखा, ये करके देखा, तो हमारी बात बन गई और मुझे आंसर मिल गया। जब नोट कर लो तो बता देना, और जो नोट कर लेगा वो केस स्टडी का फोर्थ क्वेश्चन, √x + 1/√x की वैल्यू बतानी है और 7 + 4√3 मेरे पास x है। जल्दी से इसको नोट कर लो और फिर हम क्वेश्चन पर चलें।
हाँ जी, हो गया, चलें आगे। जिसने नोट कर लिया है वो केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन, गो टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू मुझे बतानी है, और एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 7 प्लस 4 रूट 3। एक्स इज 7 प्लस 4 रूट 3। अंडर रूट एक्स की बात करनी है, सबसे पहले हम इसी के ऊपर ध्यान देते हैं, मतलब मुझे चाहिए 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अपना थॉट प्रोसेस चलाया, इसको अब मैंने स्क्वायर बनाना है किसी क्वांटिटी का, तो किस आइडेंटिटी से इसका कंपैरिजन करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर से या ए माइनस बी होल स्क्वायर से? ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, और इसका कंपैरिजन 7 प्लस 4 रूट 3 से किया जा रहा है। तो अब 2 ab की वैल्यू कितनी है? और 4 रूट 3। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या लूं और बी की क्या लूं? इनटू बी आ रहा है 2 रूट 3। तो कैन आई टेक ए एज 2 एंड बी एज रूट 3? क्या किया मैंने, ए को 2 ले लिया और बी को रूट 3। अब देखो 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करके देखो जरा, क्या मुझे 7 प्लस 4 रूट 3 मिल रहा है? शाबाश, जल्दी से 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर खोल के देखो, क्या 7 प्लस 4 रूट 3 मिला? ए स्क्वायर दैट इज 4, बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 2 ab मिल गया मुझे 7 प्लस 4 रूट 3। इसका मतलब ये जो मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर 7 प्लस 4 रूट 3 पड़ा था, इसको मैंने 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर लिख दिया। ये बात समझ में आई? आई हैव टेकन इट एज 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब मैं 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कर रही हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab से मुझे यही क्वांटिटी वापस मिल गई। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, सो अंडर रूट एक्स की वैल्यू 2 प्लस रूट 3। जिसको ये बात समझ में नहीं आई है कृपा करके पूछें। दोबारा हम कह रहे हैं, क्या ये स्क्वायर रूट हटाना है मुझे? स्क्वायर रूट हटाने का मतलब अंदर की क्वांटिटी को स्क्वायर बनाना है। इन बिटवीन दो टर्म्स के बीच में प्लस आ रहा है, मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर ही बन सकता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab। यहां पर हमारे पास ये तो एक आपका रैशनल नंबर बन गया, अगर इरेशनल नंबर्स के स्क्वायर करें तो रैशनल मतलब ये मिलकर के 7 बना रहा है, और 2 ab इज 4 रूट 3। तो 2 ab को 4 रूट 3 से कंपैरिजन करेंगे तो a इंटू बी हो गया 2 रूट 3। तो आई हैव टेकन ए एज 2 बी एज रूट 3। ए को 2 बी को रूट 3 देके जब मैंने स्क्वायर किया तो 7 प्लस 4 रूट 3 मिल जा रहा है मुझे। इसीलिए इस 7 प्लस 4 रूट 3 को मैंने रिप्लेस कर दिया 2 प्लस रूट 3 के स्क्वायर से। जब 2 प्लस रूट 3 के स्क्वायर से हमने रिप्लेस किया, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, सो रूट एक्स आ गया 2 प्लस रूट 3। इज इट ओके और नॉट? आया है समझ में कि नहीं?
चलिए जी, मेरे से पूछा गया था रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स की वैल्यू मैंने निकाली 2 प्लस रूट 3। अब जरा जल्दी से 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकाल के बता दो। ऐसे क्वेश्चन कल हमने किए थे बहुत सारे। हाउ टू सॉल्व इट? 1 अपॉन रूट एक्स का मतलब 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। जल्दी से मुझे बताओ, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगी तो मेरे पास 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है? जल्दी से, क्विकली। जल्दी जल्दी, शाबाश। टू माइनस रूट थ्री। 2 माइनस रूट 3, वेरी गुड। रैशनलाइजिंग फैक्टर में इरेशनल पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस रूट 3 से डिवाइड। ऊपर तो है 2 माइनस रूट 3, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया 2 माइनस रूट 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। पूछा क्या गया है? रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। रूट एक्स की वैल्यू थी 2 प्लस रूट 3 और 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू आई है 2 माइनस रूट 3। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया? ओके ठीक है जी, रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में। रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं? रैशनलाइजिंग फैक्टर के लिए इरेशनल पार्ट का साइन चेंज, उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। रैशनलाइजेशन का मतलब, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब हमने कल समझा था, ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा एंड रिजल्ट एक रैशनल नंबर बन जाए। कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आया है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। एक्स की वैल्यू अंडर रूट एक्स निकालने को बोला गया, कंपैरिजन विद ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट गिव्स मी ए एज 2, बी एज √3, 2 + √3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, 2 + √3। अब 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमने 1 अपॉन 2 + √3 करके 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू 2 - √3। व्हेन आई एड द टू माय आंसर इज 4। एनीबडी हु इज नॉट एबल टू गेट इट, हाँ जी, सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए जी, सो अलोंग विद दिस क्वेश्चन वी फिनिश ऑफ विद द चैप्टर नंबर सिस्टम। अब आप स्कूल में नंबर सिस्टम कर चुके हो, एक बार यहां पर रिवाइज कर चुके हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है अभी भी तो आप पूछ सकते हो। स्कूल में आपने चैप्टर किया, साथ साथ रिवीजन हो गई, और रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो दिस थिंग। क्लास में टीचर्स ने बहुत अच्छे से आपको चीजों को समझाया, प्रैक्टिस करी, उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस यहाँ पर भी कर ली आपने, तो अब आपका चैप्टर कंसोलिडेट हो जाना चाहिए, सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। स्टिल इफ यू हैव सम डाउट यू कैन आस्क, जरूरी जरूरी नहीं है कि आपकी असाइनमेंट में से ही डाउट हो, कुछ भी और अगर आपको चैप्टर में लगता है कि यू वांट टू आस्क यू कैन। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन थर्ड एमसीक्यू ऑफ मॉड्यूल 4? मॉड्यूल 4 का थर्ड एमसीक्यू, ठीक है जी, थर्ड एमसीक्यू है हमारा इसमें। वैल्यू ऑफ दिस व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड। देखो, रैशनलाइजेशन का मतलब है, कल हमने ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था एंड में, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब है कि ऐसा फैक्टर जिससे इरेशनल पार्ट रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। कल हमने इसको लिखा था 3 की पावर 3/4, इज इट ओके? ये बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया था? 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब और इसका फोर्थ रूट हम कर रहे हैं, इसका मतलब 1/4 पावर। एक्सपोनेंट के रूल से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है पावर, सो 3 पावर 3/4।
मुझे इस टर्म को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, मतलब दिस शुड बिकम थ्री. डिनोमिनेटर यहां पे स्पेसिफाई किया गया, वैल्यू ऑफ दिस व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड. तो मेरा एम क्या है, टू मेक डिनोमिनेटर अ रैशनल नंबर. डिनोमिनेटर में ये तो रैशनल है, ये पार्ट इरेशनल है. मैं 3 पावर 3/4 को बनाना चाहती हूँ 3. तो हमने क्या कहा, इसको 3 पावर x से मल्टीप्लाई करें. अब मुझे नहीं पता ये x क्या आएगा, वो निकालने के लिए एक तो आप सीधे से समझ सकते हो कि मुझे 3 की पावर 1 चाहिए. 3/4 पावर पड़ी है, इसका मतलब बाकी और कितनी पावर इसमें ऐड कर दूं तो 1 बन जाएगा, 1/4. ठीक है जी, यहाँ बेस सेम है. लो मैं इसको पूरा प्रॉपर बता देती हूँ. 3/4 + x, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. दिस इज 3 पावर 1. बेस सेम, इक्वालिटी की दो तरफ, तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं. यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/4. 1 - 3/4 1/4. इसका मतलब मैं इस टर्म को 3 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई और 3 की पावर 1/4 से डिवाइड कर दूं. क्या ये बात समझ में आई है, जल्दी से बोलो बच्चों. ये फैक्टर कहां से आया, ये समझ में आया? डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3/4 था, इस पार्ट को रैशनल करना है. इस पार्ट को रैशनल करने का मतलब इसको 3 बनाना है. इसको 3 बनाने का मतलब इसको 3 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यहां डिनोमिनेटर में किया तो ऑब्वियसली ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अब क्या होगा, ऊपर हो गया आपके पास 3 × 4√3, और नीचे क्या आएगा, सॉरी, 4√3, 5 × 3. पानी ये 3 और 3 कैंसल, सो 4√3 / 5, दिस शुड बी माय फाइनल आंसर. क्योंकि इस टर्म में अब डिनोमिनेटर में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं पड़ा. मुझे यही कहा गया था, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज रैशनलाइज्ड, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना था. डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के लिए 3 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. जब 3 की पावर 1/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, नीचे बन गया 5 × 3, ये ऊपर एक 3 पड़ा था, कैंसल हो गया. तो 4√3/5 इज समथिंग आई एम लेफ्ट विद. हाँ जी, जिसने क्वेश्चन पूछा था समझ में आ गया ये? यस, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू बेटा, मोस्ट वेलकम. यू कैन आस्क एनीथिंग एनी टाइम. किसी को कुछ और पूछना हो? मैम, कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ मॉड्यूल 4? Module 4 का सेकेंड क्वेश्चन. लो जी, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू 2/3 + √7, और मुझसे वैल्यू पूछी जा रही है x - 3 के होल स्क्वायर. देखो जी, एक्स जो है उसका डिनोमिनेटर कैसा है, इरेशनल, और मुझे x - 3 करके आगे फर्दर कुछ कैलकुलेशन की बात कही जा रही है. तो ऐसी सिचुएशन में मेरा सबसे पहला काम है, मैं इसको पहले रैशनलाइज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आऊं. ठीक है जी, कर दो जरा इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज और मुझे बताओ क्या निकाला है. मुझे करना था, एक तरीका था, मैं x - 3 यहाँ पे डालती, एलसीएम लूं और फिर उसका स्क्वायर करूं. बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा. जब भी नंबर्स में डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर पड़ा रहता है, मेरा फर्स्ट जो टारगेट होना चाहिए टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, ताकि उसको एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाए. बताओ जी, किससे मल्टीप्लाई करूं रैशनल में कन्वर्शन के लिए? परफेक्ट, 3 - √7. √7 से मल्टीप्लाई और 3 - √7 से डिवाइड. अब ऊपर एक नंबर 2 है और साथ में ब्रैकेट में मैंने कर दिया 3 - √7. नीचे a + b, a - b लगा,
ए का स्क्वायर है 3, 3 का स्क्वायर करूंगी तो 9। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं इसको 3 ही लिख दो, ये रूट 3 नहीं है, 3 है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 7, तो 2 टाइम्स 3 माइनस रूट 7 एंड डिनोमिनेटर इज 2, कैंसल आउट हो गया। इसका मतलब ये एक्स क्या कन्वर्ट हो गया अब 3 माइनस रूट 7। पहले यहां तक बात बता दो, समझ में आई है कि नहीं? यस करना क्या था, मेरे से मांगा क्या जा रहा था, मेरा टारगेट क्या था? एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो पहले हम एक्स माइनस 3 निकाल देते हैं। एक्स ये है, माइनस 3 किया तो क्या बन गया, -√7। दिस इज एक्स माइनस 3। मेरे से पूछा क्या जा रहा है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, तो आई डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, √7 का स्क्वायर 7 हो गया, तो आंसर इन दिस केस है 7। तो कुछ नहीं किया हमने, एक्स मुझे ये फॉर्म में दिया था, डिनोमिनेटर इरेशनल था, मैंने इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगा करके इसके डिनोमिनेटर को रैशनल बनाया, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, तो एक्स की वैल्यू 3 माइनस √7 आ गई है। अब चाहिए क्या, एक्स माइनस 3, तो एक्स में से ये 3 हमने माइनस कर दिया तो मिल गया -√7। मुझे इसका स्क्वायर पूछा जा रहा था, तो आंसर 7 होगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन? यस कुछ और पूछना हो? कोई पुराने मॉड्यूल में से, कुछ इस मॉड्यूल में से, कोई अपना आपका क्वेश्चन हो? नंबर सिस्टम अब आपका इतना पक्का हो जाना चाहिए कि अब आपको पेपर से पहले बस 2 मिनट देखने की जरूरत होनी चाहिए, एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हम 2 बार चैप्टर कर चुके। मैम, फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 1 का, एक सेकंड बेटा, केस स्टडी का। एक सेकंड, एक सेकंड, मॉड्यूल 1 केस स्टडी 5th क्वेश्चन। लो जी, रैशनल नंबर करस्पॉन्डिंग टू 0.835, कैसा कैसा है ये डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग? टर्मिनेटिंग। ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेट हो गया, कोई बार नहीं लगा रखी हमने, कुछ नहीं कर रखा, तो दिस इज दी टर्म, यही वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना बेटा? जिसने क्वेश्चन पूछा यही था ना, फर्स्ट मॉड्यूल केस स्टडी 5th क्वेश्चन। ठीक यस है जी, ये तो बेटा नॉर्मल, आपका डेसिमल को अगर मैं हटाऊं तो हाउ मेनी जीरोस विल आई गेट इन द डिनोमिनेटर? 3 जीरोस, क्योंकि डेसिमल के बाद तीन डिजिट्स पड़ी है मेरे पास। ठीक है जी, अब ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 5 से कैंसिल आउट कर लो, ऊपर नीचे, 5 2s are 10, 0, 5 1s are 5, 5 6s are and 5 7s are, तो आंसर विल बी 167/200। ये तो नॉर्मल आपका डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का काम। और देख लो, नंबर सिस्टम के आपके पास 3 मॉड्यूल गए हैं, ऑल 3 वी हैव डिस्कस्ड। अगर किसी में भी कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। हाँ जी बेटा, जिसने अभी जो बोला रिपीट कर दो, आपका वॉइस कट गया, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला। मॉड्यूल 1 केस स्टडी क्वेश्चन 4। मॉड्यूल 1 केस स्टडी क्वेश्चन 4। लो जी, क्वेश्चन 4 है आपके पास, एक्स की वैल्यू है 0.235 और 35 के ऊपर बार है। मुझे कहा जा रहा है इस रैशनल नंबर के, इस के करस्पॉन्डिंग रैशनल नंबर बताओ। ये कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो हमें मालूम है रैशनल बनने वाला है।
ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है, सबसे पहला जो मेरा स्टेप होना चाहिए, जो मेरे को दिमाग में रखना है, दैट इज मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ वो नंबर रखने हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको डेसिमल से आगे लेके आना है मुझे, ठीक है जी। अगर एक नंबर है, मान लो यह होता 0.2335, ऐसा भी हो सकता था, इसके आगे भी कुछ पड़ा हो सकता था, आगे क्या पड़ा है वो मेरी बॉदरेशन नहीं है, मेरी बॉदरेशन है बाद में क्या पड़ा है, और बाद में भी जो पड़ा है, पहला स्टेप जो मुझे करना है वो क्या करना है कि डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीटिंग वाले नंबर बच जाएं, बाकी कुछ ना बचे। अब नॉन रिपीटिंग एक ही नंबर पड़ा है, दो, अगर मेरे को इसको डेसिमल के इस तरफ शिफ्ट करना है तो मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 100 से? मुझे कितनी डिजिट को शिफ्ट करना है, वन डिजिट? 1 डिजिट को शिफ्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करूं कि 100 से मल्टीप्लाई करूं? तो क्या करें, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2.3535, मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ, एंड इट कीप्स ऑन रिपीटिंग। यहां तक सबको समझ में आया? तो मैम पहला स्टेप क्या है, डेसिमल के बाद मुझे सिर्फ रिपीटिंग वाले नंबर रखने हैं। नॉन रिपीटिंग एक नंबर तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दो हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तीन हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकेंड स्टेप, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं अब मेरे इसमें? टू डिजिट। तो क्या करें, इसको फर्दर 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि दो रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो व्हाट आई विल डू, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 100। जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये दो डिजिट इधर शिफ्ट हुई तो 235.3535, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इन दोनों नंबर में जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स हैं वो सब सेम हो गई, ठीक है जी। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना था, मतलब पी बाय क्यू की फॉर्म में ले जाना था, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर चाहिए। अगर इंटीजर चाहिए तो डेसिमल के बाद की सब चीजें जीरो होनी चाहिए। कीपिंग दैट इन माइंड मैंने ये दो स्टेप्स फॉलो किए हैं, ठीक है जी। तो क्या हुआ, अब ये हो गया 1000, सॉरी 10x ऑलरेडी था, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x हो गया ये, ठीक है। अब क्या करें, दो में से एक को माइनस, 1000x इज इक्वल टू 235.3535, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन 10x इज इक्वल टू 2.3535, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को, ये क्या बन जाएगा, 990x इज इक्वल टू 233.0। मेरा टारगेट अचीव हो गया, डेसिमल के बाद के नंबर, डेसिमल के बाद के जो नंबर्स हैं वो जीरो हो गए, ठीक है जी। और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 233/9, 19। आई रिपीट, सबसे पहले डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट पड़ी है उसको डेसिमल के आगे लेके आना है। एक डिजिट है 10 से मल्टीप्लाई कर दो, दो है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तीन है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी है उसके हिसाब से चल पड़ो। यहाँ एक ही नॉन रिपीटिंग डिजिट थी तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही हैं उतनी जीरोस विद वन मल्टीप्लाई, तो यहाँ दो हो रही थी इसलिए मैंने दोनों को दोनों तरफ किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया ये बन गया 1000x, ये हो गया 10x। डिवाइड सब्ट्रैक्ट करें तो डेसिमल पार्ट कैंसल आउट हो गया जो कि मेरा टारगेट था, और एक्स की वैल्यू 233.990। समझ में आई है बात, यस और कुछ? मैम हाँ जी बोलो बेटा। आई हैव अ क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन, हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। कैन यू राइट इट ऑन बोर्ड?
बोलो बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ √7 - 1 √7 + 1 एक मिनट, धीरे धीरे धीरे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ √7 - 1 over √7 + 1 -√7 + 1 over √7 - 1 इज इक्वल टू a+b√7। दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक, यस देखो इसको करने के अब दो तरीके हैं मेरे पास। पहला तरीका मैं एलसीएम लूं, सिंपलीफाई कर दूं। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इन दोनों टर्म्स को पहले इंडिविजुअली रैशनलाइज कर लूं। पहले रैशनलाइज कर लें, विल दैट बी बेटर? लो जी सर, √7 - 1 upon √7 + 1 में हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने की बात कर रहे हैं। तो किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड? बोलो बच्चों, -1 √7 - 1 से मल्टीप्लाई, √7 - 1 से डिवाइड। ध्यान से देखना, न्यूमरेटर बना √7 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे 7 - 1, तो √7 - 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 6। ये बात समझ में आई है? यस अब जल्दी से जरा इसको भी रैशनलाइज कर दो और बताओ क्या बनाओगे। शाबाश शाबाश, जल्दी से। अब इसको √7 + 1 से मल्टीप्लाई और √7 + 1 से डिवाइड करोगे, तो न्यूमरेटर हुआ √7 + 1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय 6। ये बात समझ में आती है सभी को? देख लो, ध्यान से कर लो, वी आर नॉट इन अ हरी, जस्ट ट्राई इट आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टर्म को रैशनलाइज करने के लिए √7 - 1 से मल्टीप्लाई किया, सेम चीज पड़ी थी ऊपर तो √7 - 1 का स्क्वायर, नीचे a+b a - b लगा, 7 - 1 6 बन गया। इसको रैशनलाइज करने के लिए √7 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर √7 + 1 का स्क्वायर, नीचे फिर से a+b a - b 6 बन गया। यहां तक तो कोई डाउट? हाँ जी, जल्दी बोलिए, एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? चलिए जी, अब दोनों के डिनोमिनेटर अब सेम बन गए हैं, और जब डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं तो हमारे को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाता है। मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकती हूँ और इसको लिख सकती हूँ √7 - 1 का होल स्क्वायर √7 + 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज गिवन टू बी a+b times √7। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? चलो फिर, अब यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ a+b का होल स्क्वायर लगाओ, जल्दी फटाफट। आइडेंटिटीज लगा दो, a+b का होल स्क्वायर एंड a - b का होल स्क्वायर। और बताओ मुझे न्यूमरेटर में क्या बच रहा है? इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, a+b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर ही तो लगाने हैं, इतनी घंटा क्यों लग गया? मैम, हाँ जी, ऊपर माइनस से नीचे आपने प्लस का साइन डाला है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी, बीच में माइनस का साइन है, बिल्कुल ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माय मिस्टेक। इसको खोलोगे a² + b² - 2ab, इसको खोलेंगे a² + b² + 2ab एंड डिवाइड बाय 6। ये हुआ 8 - √7। ये 8 बाहर नेगेटिव पड़ा है तो -8,
ये प्लस तो बाहर से माइनस 2 √7 / 6। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा, मैम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी तो लग सकता है। लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यू कैन डेफिनेटली डू दैट। ओके मैम, किसी भी तरीके से चल सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है। हाँ जी, तो ये 8 और -8 कैंसिल हो जाएगा, -4/6 √7। दिस इज व्हाट आई एम लेफ्ट विद। तो आप क्या बता सकते हो, ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है? हाँ जी बच्चों, ए की वैल्यू ए की वैल्यू 0 और0 बी की वैल्यू माइनस -4/6 √7 फोर बाय सिक्स एंड √7। ना। अगर कंपैरिजन इससे कर रहे हो, कोई भी रैशनल पार्ट नहीं है, मतलब ये 0 हो गया, इससे कंपैरिजन कर रहे हो, ये √7 √7 तो सेम हुआ, बी की वैल्यू -4/6 और आई कैन राइट -2/3। दिस विल बी योर आंसर, ए 0 एंड बी -2/3। हाँ जी, समझ में आ गया बेटा? ठीक है जी, और कुछ? कैन यू एक्सप्लेन दैट एक्सप्लेन स्टेप? अगेन, कौन सा पार्ट एक्सप्लेन करना है बेटा? लास्ट लास्ट स्टेप, स्टेप, ये वाला, यस। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -2a√7b1, सो 7 + 1 - 2√7, इज इट ओके? यस। इन बिटवीन नेगेटिव साइन, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया 8 - 2√7, और ये बन गया 8 + 2√7। जब ये ब्रैकेट को खोलोगे, बाहर माइनस पड़ा है, तो ये प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, 8 और -8 कैंसल, मेरे पास बच गया -2√7 - 2√7, मतलब 2 times of -2√7, दैट इज -4/6√7। हाँ जी, समझ में आई है यहां तक बात? अब मुझे ए और बी पूछा जा रहा था, और मेरे पास जो एक्सप्रेशन बना वो बना -4/6√7 व्हेन आई कंपेयर इट विद ए प्लस बी रूट सेवन। बच्चे प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, अगर प्रॉब्लम खत्म हो गई तो ओके, नहीं तो यहाँ पर कोई भी रैशनल पार्ट नहीं बचा है मेरे पास, इसका मतलब ए हो गया 0, और जब आप इन दो को कंपेयर करोगे तो बी क्या हो जाएगा? -4/6, विच कैन बी रिटन एज -2/3। ठीक है जी, अभी भी कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। बोलो बच्चों, इज इट ओके नाउ? मैम, और कुछ पूछना चाहते हो तो बता दो। कैन यू एक्सप्लेन मॉड्यूल 4 5th क्वेश्चन? मॉड्यूल 4, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एमसीक्यू? मैम लो जी, अब आपने बच्चों मुझे सिर्फ इसमें ये बताना है कि क्या चीज समझ में नहीं आई है। क्वेश्चन था स्क्वेयर रूट निकालो 3 - 2√2 का। मैंने सबसे पहले क्या कहा, अगर आप आंसर्स पर देख रहे हो तो कहीं पर भी ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट नजर नहीं आ रहा, मींस मेरा पहला काम इस स्क्वायर रूट को हटाना।
इस स्क्वायर रूट को हटाने का मतलब है अंदर किसी चीज का स्क्वायर बने और ऊपर स्क्वायर रूट हो तो वो कटता है, ये बात मुझे मालूम। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने क्या सोचा कि ये जो टर्म है ये टर्म शुड बी स्क्वायर ऑफ सम नंबर, दिस शुड बिकम स्क्वायर ऑफ सम नंबर। दो टर्म्स हैं इन बिटवीन नेगेटिव साइन आ गया, इसका मतलब ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म जाएगी, और जब मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दूंगी तो मेरे पास ए माइनस बी बच जाएगा। थिंकिंग ऑन दीज लाइंस मैंने इसको ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एंड आई एम कंपेयरिंग इट विद 3 माइनस 2 रूट 2। सो दिस गिव्स मी एन आइडिया कि ये जो 2ab है दिस शुड बी 2 रूट 2। ए इंटू बी दो चीजों का प्रोडक्ट रूट टू बन रहा है, इसका मतलब उनमें से एक नंबर को रूट टू होना पड़ेगा और दूसरे को 1 होना पड़ेगा। चली थी मैं ए माइनस बी होल स्क्वायर से, तो मैं एक बार रिकन्फर्म कर रही हूँ, क्या √2 - 1 का होल स्क्वायर मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मुझे 3 - 2 √2 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एंड आई कैन चलो सी आई गेट स्क्वायर रूट के अंदर 3 - 2 √2 पड़ा था, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया √2 - 1 के स्क्वायर से। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो करके मुझे आंसर दे रहा है √2 - 1। अब क्या के फंस रहे हो वो बता दूं, शाबाश जल्दी से देखो और किस स्टेप पर दिक्कत आ रही है वो बताओ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट इन सम अदर मैनर विच यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। हां जी, किसने पूछा था ये समझ में आया अभी क्वेश्चन? ठीक है ओके, और कुछ किसी को पूछना हो, एनी अदर डाउट इन नंबर सिस्टम? एक्सक्यूज मी मैम, बोलो बेटा। कैन यू एक्सप्लेन मॉड्यूल 2 केस स्टडी ऑफ क्वेश्चन 5? क्वेश्चन 5 ऑफ केस स्टडी, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे क्या है आपके पास? रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द पार्क एंड पार्क एरिया एंड ऑफ द प्लॉट, ठीक है जी। आपने एरिया ऑफ पार्क और एरिया ऑफ प्लॉट दोनों निकाले हैं तीसरे क्वेश्चन में और चौथे क्वेश्चन में, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन में एरिया ऑफ पार्क निकाला जो कि आ रहा है 11√10 के साथ, जिसका आपके पास आंसर है 9 - 16। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा। मैम आपने कहा था कि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं बेटा सिलेबस में नहीं जैसा कुछ बात नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। रेशियो पूछी गई है, और जब भी हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही कि जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करके छोड़ते, हमने सिर्फ कुछ नहीं किया, इस चीज को इस नंबर को रैशनलाइज करके अपना आंसर बताया, बस इतना ही काम किया और कुछ किया नहीं। लंबा चौड़ा हमने क्या पूछा गया था मेरे से, रेशियो पूछी गई थी किस चीज की, पार्क का एरिया 11√10 - 30 था और प्लॉट का एरिया हमने निकाला था 9 - 6√2। इसको बस जो आंसर दिया उसे रैशनलाइज करके दे दिया, थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है बाकी और तो कुछ है नहीं इसमें ऐसा। नाइन 9 + 6√2 से मल्टीप्लाई और 9 + 6√2 से डिवाइड। अब न्यूमिरेटर में तुम्हारी कैलकुलेशन पार्ट थोड़ी ज्यादा है, बस इतनी ही दिक्कत है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 9 का स्क्वायर - 6√2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर क्या आएगा? 81 - 6√2 का स्क्वायर बताएंगे। व्हाट इज 6√2 का स्क्वायर? इतनी देर 6√2 के स्क्वायर में72 कितना? 72 72। 6√2 मीन्स 6√2 मल्टीप्लाइड बाय 6√2, 6 × 6 = 36, √2 × √2 = 2, सो क्या आ गया 72। ऊपर टर्म बाय टर्म मल्टीप्लीकेशन ध्यान से देखते जाना, 11√10 को 9 से मल्टीप्लाई, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूं 11 × 6 = 66, √10 √2 को अभी √20 लिख दिया। प्रॉपर्टी √a × √b इज √ab, यहां पे अंडर रूट के अंदर अलग नंबर पड़ा है, यहां अलग पड़ा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके √20, इससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 270। इस ये यहां तक देखो, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। कुछ नहीं किया, सिंपल रैशनलाइज। रैशनलाइज किया तो जो ऊपर नंबर आ रहे हैं ये थोड़े से भयानक दिखने में लग रहे हैं, कर तो कुछ नहीं रहे हम, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई तो कर ही जा रहे हैं और तो कुछ कर नहीं रहे हैं।
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 99 रूट 10, इफ वी बिकम्स रूट ए बी दैट इज अंडर रूट 20, इसको इससे क्या -270, इसको इससे करेंगे तो -180 रूट 2, नीचे 81 -72 9 बन जाएगा, तो आंसर सी बन जाएगा। ठीक है जी, जिसने भी पूछा था समझ में आ गया। चलिए और बोलिए जी, और कोई दुविधा हो मन में तो पूछ सकते हो। चलिए, सो आई एज्यूम नाउ नंबर सिस्टम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, नो डाउट इन द मॉड्यूल टू माइंड। एमसीक्यू फर्स्ट मॉड्यूल टू फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू में सिंप्लीफाई करना था 2 × क्यूब रूट ऑफ 40, 625 का क्यूब रूट एंड 320 का